हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तगार बनाएंगे, जिसको हम बूरा भी कहते हैं। बूरा जनरली क्या करते हैं, लोग शक्कर को पीस लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ हमारा बूरा तैयार हो गया, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। इसका एक अलग प्रोसेस रहता है, हालांकि ये मार्केट में भी मिल जाता है ईजिली, बट जो घर पर बनाते हैं उसकी क्वालिटी अलग ही रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसको जनरली हम लड्डू में मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, जिसमें मैं 3 कप जितनी शुगर डालूंगी। सो और गैस को हम लोग स्विच ऑन कर लेंगे। इससे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बूरे का इस्तेमाल करके जो लड्डू बनाते हैं उसका टेस्ट अलग ही रहता है। और इसमें मैं एक पानी डालूंगी 1 कप जितना। तो यहाँ पर हमने 3 कप जितनी शक्कर ली है, उस पर 1 कप जितना हमने पानी डाला है। तो अब हम इसको स्टर करेंगे, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे स्पैटुला की सहायता से, और मीडियम फ्लेम रखना है हमें। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाएगा। आप इसका कलर भी देख सकते हो, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले जनरली क्या होता था कि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत आती थी, तो जैसे बबल्स बनते थे तो ऊपर पूरा कचरा आ जाता था, तो हम उसको अलग कर सकते थे। बट अभी सारी प्योर रहती है शुगर वगैरह, मतलब इसमें ऊपर इतना कचरा नहीं आता है। देखिए, और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जितना घी डालूंगी, और घी डालने का रीज़न ये है कि इससे जो हमारी शक्कर है, जो हमारा तगार है, वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, एकदम हार्ड नहीं रहेगा, या फिर हमको चलाते समय इजी रहेगा। जब ये हार्ड होने लगेगा तब इसको चलाने में इजी रहेगा। ये देखिए, हमारा जो सिरप है वो धीरे धीरे अभी गाढ़ा होता जा रहा है। शुगर से पहले लिक्विड हो गया और अभी ये फिर से गाढ़ा हो रहा है। तो जैसे ही वाइट दिखेगा तो हम इसको बंद कर लेंगे, गैस को बंद कर लेंगे, और हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये देखिए, जब हम इसको फिर से स्टर करेंगे तो पहले तो ये फिर से देखिए लिक्विड फॉर्म लगेगा आपको, बट उसके बाद धीरे धीरे ये ठंडा होता रहेगा। जैसे जैसे ठंडा होगा ये वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, और इसको कंटिन्यू चलाना ताकि इसमें लम्स नहीं हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अगर लम्स हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? उसका भी एक इलाज है, सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर लम्स हो जाते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको प्रेस करके इस तरह से इसको पूरा अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए, क्योंकि हमने घी डाला इसलिए इतने हार्ड नहीं रहेंगे इसके लम्स। सो और अगर फिर भी ऐसे लगता है कि इससे सारा नहीं होगा, तो ये पहले तो स्टिल जब तक गर्म रहता है, थोड़ा वार्म रहता है, ईजिली हो जाता है। उसके बाद भी जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं, तो आप कुछ तो आप उसको फिंगर से प्रेस करके उसको एकदम बारीक कर सकते हो। और अगर फिर भी रह जाते हैं, जो बहुत हार्ड रहते हैं, वो फिंगर से नहीं होंगे, तो आप उसको स्ट्रेन करके ये पूरा तगार उसको मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हो। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ईजिली आप घर पे अच्छे से तगार बना सकते हो, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। तो देखिए, हमारा तगार एकदम ही रेडी हो चुका है, एकदम बारीक बूरा हो चुका है, और इससे हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनने हैं, इसकी तो गारंटी है। तो आप बनाइए तगार और इसे लड्डू बनाइए, और आपकी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।